तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है? आई होप कि सब लोग मजे में होंगे और बढ़िया से रैंक पुश कर रहे होंगे। तो और जिस भी भाई का अभी तक बढ़िया रैंक पुश नहीं चल रहा है ना, तो वो ये वाला गेम देख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रात को जब भी 8 बजे से हम लाइव स्ट्रीम करने आएंगे, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप लोग नोटिफिकेशन आने के बाद तुरंत लाइव स्ट्रीम में आना। जैसे ही आपको जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है, वो यहाँ पे आप लोग हमको बता सकते हो, उसमें हम आपकी पूरी हेल्प करने वाले हैं लाइव स्ट्रीम पे। तो अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोगों को एंडिंग के सर्कल में यहाँ पे पोजीशन निकालनी है, कैसे आप लोगों को पोजीशन पकड़नी है, और कैसे यहाँ पे एंड सर्कल में किल निकाल के यहाँ पे आप लोगों को सर्वाइव करके अच्छा खासा प्लस लेना है। तो क्योंकि सीन क्या, देखो आजकल लॉबी में काफ़ी कम प्लस मिल रहा है, क्योंकि जो है जो ज़्यादा बंदे थे अच्छे अच्छे टायर वाले, वो लोग ने यहाँ पे रैंक पुश करना अभी छोड़ दिया है। वो या तो स्क्वाड खेलने लगे हैं या अदर गेम की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। वो लोग यहाँ पे काफ़ी कम गेम खेल रहे हैं। तो वही बात है, जब तक लॉबी अच्छी रहेंगी, जब तक अच्छे टायर वाले बंदे लॉबी में आएंगे, तो तभी तक प्लस मिलता है। और इस वाले गेम में जो अपन ने यहाँ पे हाई लेवल पे किल्स निकाल के यहाँ पे लास्ट सेकंड डोमिनेशन करी है ना, वो देख के आप लोगों को जरूर से मज़ा आने वाला है, काफ़ी ये सीखने को भी मिलने वाली है। तो गाइस देखो, वहाँ पे अपनी ड्रॉप लोकेशन को लूट के मैं यहाँ पे आ चुका था इस वाले, और इस वाले टावर पर जैसे ही आता हूँ ना, इस जगह से काफ़ी ज़्यादा रोटेशन जाने लगती हैं। और जहाँ पे भी देखो आस पास यहाँ पे फायर हो ही रहा था, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना अपनी बगी लेके यहाँ पे तुरंत से निकल लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना सेफ था नहीं। और मैं वापस से अपनी व्हीकल उठाता हूँ और चले जाता जोन की एज की तरफ में, क्योंकि देखो सीन क्या था, ये वाला जोन मुझे जो है ना लग रहा था कि ये वाले वाटर सिटी में आने वाला है। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना पहले वाटर सिटी का इस वाला ब्रिज पे यहाँ पे रुक के यहाँ पे कैम्प किया जाए, हो सकता है यहाँ पे जो जो रोटेशन आए हम उनका किल ईजिली यहाँ पे निकाल लें। और यहाँ पे काफ़ी देर होल्ड करने वाले, और जैसे ही रोटेशन आती इस वाले बंदे को यहाँ पे इजीली यहाँ पे बग्गी से हमने गिरा जाता, और इसको मारने के साथ में अपने 2 किल हो चुके थे। और थोड़ी देर में जोन जैसे आगे की तरफ शिफ्ट होता है, और जैसे ही जोन मेरी तरफ को आने लगता है, रेड जोन चालू होता है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे उस बंदे की पेटी लूट के यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छी खासी लूट मैं ले लेता हूँ, और सीधे आता हूँ इस वाले स्क्वाड हाउस में, जो कि जहाँ की मुझे लग रहा था कि एस सर्कल सारे आने वाले हैं। तो ये सीन क्या, देखो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, जहाँ पे आपको लगता है ना प्रिडिक्शन वगैरह लगाते हो कि यहाँ को जोन आने वाला है, तो उधर जाके बैठ जाएगा। और देखो ये वाला जोन में, देखो ये वाला जोन में को जो फेवर करने वाला है ना, वो देख के आपको कतई लेवल पर मज़ा आने वाला है। कास्ट में तो आपको एकदम क्या ही बोलूँ मैं अभी बता सकता, आप लोग खुद ही देखो आपको कितना मज़ा आने वाला है। अभी इस वाले स्क्वाड हाउस में मैं लंबे टाइम तक होल्ड करता हूँ, और जोन जो अपने को यहाँ पे फेवर कर रहा था यहाँ इस गेम में, तो वो देख के यार आप लोग को यहाँ पे समझ आई गया कि ये अपनी कितनी तगड़ी वाली प्रेडिक्शन रहने वाली है। तो अभी यहाँ पे पहली यहाँ पे रोटेशन आती है यहाँ पे डासिया की, तो मैं यहाँ पे पहले स्टेबल हुआ था ये जोन में, क्योंकि मैं इसको फुट नहीं देना चाहता था। और जैसे ये मैं सोचा जैसी विंडो पे आएगा तब इसको मारूंगा, लेकिन यार ये बंदा स्मार्टली यहाँ पे सीधे अंदर चढ़ के आता है, तो यार बारी थी इस पर यहाँ पे जंप करके इस बंदे को यहाँ पे फिनिश करने की। तो उसके लिए एक बार 1v1 पहले इन्जॉय करो आप लोग प्यारा वाला। तो ये भाई को पहले तो लगा था कि इस वाले स्क्वाड हाउस में कोई भी नहीं है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आते हैं ना, उसको बग्गी देख के यहाँ पे उस पता लग गया था कि कोई ना कोई अंदर बैठा है, लेकिन उतने देर में उसको मार लेता। तो इतने देर में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जान लगती है, तो पहले एक कूप वाला तो बंदा बच के निकल जाता है। तो वह इतने में क्या सीन होता है ना, सामने की तरफ से एक डासिया वाला रोटेशन दे रहा होता है, और डासिया वाला जैसे रोटेशन देता है ना, मैं सोचता हूँ जैसे मेरे पास में आएगा तो मैं इस पर स्प्रे लूँगा, लेकिन ये बंदा यहाँ पर रुक जाता है। और जैसे ही ये बंदा ओपन में रुकता, तो मैं समझ जाता इसका या तो पिंग है यहाँ पे सब छूट हुआ या कुछ सीन हुआ है मेरी तरफ, तो मैं इस बंदे को यहाँ पे इजीली पहले यहाँ पे टेक डाउन कर लेता हूँ, और इसको टेक डाउन करने के बाद मैं हील करता हूँ, क्योंकि जो सामने की तरफ ऊपर टावर रहता है ना, वहाँ से एक बंदा मेरे पे यहाँ पे कार 98 का शॉट ले रहा था। अब मुझे पता था वो जो होते हैं यहाँ पे सेफ थी नहीं, तो मैं क्या करता हूँ नीचे वाले इस बालकनी में आके बैठ जाता हूँ, और यहाँ बैठता तो देखो सामने की तरफ में काफ़ी ज़्यादा फाइट हो रही है, तो मैं सोचता क्यों ना अगर कोई बंदा दिखे तो उसको यहाँ पर टेक डाउन करने का ट्राई किया जाए। अब मैं सामने की तरफ देख ही रहा था कि इतने में यहाँ पर आती है बगी की रोटेशन। तो यार गाइस ये वाला कास्ट पे कैसा था एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, और इसको मारते जैसे सामने की तरफ देखता ना, तो जो सामने की तरफ ग्रोजा चली थी वो बंदा अभी सामने आके रुक चुका था, और इतने में यहाँ पे एक और डासी की रोटेशन आने वाली है। तो यार इस बंदे को तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पहले से डैमेज पड़ा था, तो एक दो गोली में यहाँ पे ये बंदा यहाँ पे इजीली टेक डाउन हो गया था। और इसके बाद इतने में यहाँ पे ऊपर आता हूँ कि इतने में एक और यहाँ पे कोप की रोटेशन आती है, और अभी ये बंदे को अच्छी खासे यहाँ पे हेड पड़ चुके थे, और बंदे पे मारते हैं पुश, और इसको यहाँ पे इजीली फिनिश कर दिया था। और इसको फिनिश करने के हम अपने अच्छे खासे यहाँ पे 7 किल हो चुके थे। तो सीन यही देखो, तो अगर आप लोग में अगर बेस्ट यहाँ पे पोजीशन रहती है ना, तो ही आप लोगों को किल मिलता है। और पोजीशन हमेशा ऐसी जगह पकड़ा करो जहाँ की जो भी रोटेशन है और आप लोग उसको ईजिली फिनिश कर लो। तो जैसे देखो ये वाला स्क्वाड से यहाँ पे चारों जगह से ओपन है, और जैसे कहीं कहीं बंदा आएगा हम उसको यहाँ पे टेक डाउन कर सकते हैं। और अभी देखो इतने में क्या होता है ना, एक यहाँ पे सामने की तरफ से यहाँ पे बगी अपने पे आती है, तो
गया, लेकिन डैमेज तो काफ़ी दिया था। लेकिन जो पेड़ की तरफ बंदा ऑलरेडी बैठा हुआ था ना, वो वाला बंदा यहाँ पे जैसे ही वो बंदा रुकता है तो इसको टेक डाउन कर लेता है। लेकिन इसको मारने के बाद में जैसे ही वो बंदा यहाँ पे, मेरे को लगता है कि व्हीकल के नीचे ही होगा, तो मैं व्हीकल के टायर के नीचे से यहाँ पे फायर करने का ट्राई करता हूँ। और लकीली अपने को ये किल मिल जाता है, उसके साथ में अपने 8 किल भी इस लॉबी में हो चुके थे। तो वही बात है, देखो पोजीशन का कितना मैटर करती है, आप लोग को सोलो कौन के लॉबी में पता लग ही चुका होगा। तो अभी देखो सीन करने वाला अपने साथ क्या गलती होने वाली तुम्हें पता है, क्योंकि देखो अपनी तरफ एक बंदा जो है स्टार्टिंग में यहाँ पे आके रुका हुआ था, जो नीचे की गैरेज रहता है उसके पास यहाँ पे काफ़ी बंदा है, लेकिन उस बंदे उनको ही फायर नहीं किया, तो मुझे लगा था वो बंदा मर चुका है। लेकिन यार वो बंदा गैरेज के अंदर जो गलत लेवल पर लेट के कैंप कर रहा था ना, उस बंदे की मुझे बिल्कुल भी पोजीशन का आइडिया था नहीं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सामने की तरफ नेट करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन यहाँ पे स्मोक की वजह से मेरे को नेट का यहाँ पे पाथ दिख नहीं आता, जिस वजह से मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि ना ऊपर जाके नेट करूँ। और ऊपर जाके मैं नेट करता भी हूँ, और ये वाला नेट थोड़ा यहाँ पे थोड़ा आगे की तरफ गिर जाता है, जिस वजह से बंदे को यहाँ पे डैमेज नहीं होता। और मैं तुरंत दरवाजा बंद कर देता, क्योंकि मुझे शक था कि बंदा भी यहाँ पे नेट मॉली करने वाला है। तो अभी यहाँ पे देखो सीन पता नहीं था कि बंदा तीसरा वाला कहाँ पे है, तो मैं ये वाला दरवाजा तोड़ता, अगर ये बंदा को यहाँ पे होता हिलेगा, लेकिन यहाँ से भी कोई फुट आता नहीं है। तो मैं कहता डायरेक्ट सोचता हूँ कि ये वाले सीमेंट्री के अंदर जो बंदा है, इस बंदे पे डायरेक्ट पुश मार देता है। और जैसे ही पुश मारने जाऊँगा ना, तो देखो अपने साथ क्या ही लेवल पे एफ होने वाला है। जैसे ही मैं सामने बाहर की तरफ आता हूँ, ये बंदा यहाँ पे गलत लेवल पे लेट के यहाँ पे अपने को टोटल दे देता है। और इसके मारने के बाद में देखो अपने अच्छे खासे इस लेवल की लॉबी में 15 का प्लस हो चुका था। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो एक बार लाइक कर देना, और आई होप आपको की पूरी मदद हुई होगी। तो नहीं हो तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।